दोस्तों ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि जे टेट के लिए आंदोलन करना होगा, क्योंकि सिर्फ मुंह में बोल देने से कि सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, नहीं होने वाला है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आप लोगों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जो कि रच रहे हैं 2016 जे टेट पास वाले विद्यार्थी जो साजिश रच रहे हैं, उसके बारे आप लोग जानते होंगे। मैंने ऑलरेडी कई दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है अपनी वीडियोज़ में कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जे टेट हो, और अपनी सीधी बाजी करवाना चाहते हैं, अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोगों को ट्यूटर के द्वारा वार करना है, 5 सितंबर को वार करना है, क्योंकि 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस है और इसी दिन वार करना है। इसके लिए क्या क्या करना है इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कि ट्विटर को कैसे यूज किया जाता है, ट्विटर को कैसे यूज करना है, ट्विटर के द्वारा आप कैसे आंदोलन कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्विटर में जितने भी नेता लोग हैं सभी लोग एक्टिव रहते हैं, इसलिए ट्विटर एक माध्यम बन गया है। जितने बड़े बड़े नेता हैं सभी ट्विटर में रहते हैं और ट्वीट करते हैं और एक्टिव रहते हैं, और ये इसलिए ये एक जरिया है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, जो सही बात है उसको पहुंचाने का। तो हम ट्विटर के माध्यम से हम लोगों का जो बात है उसको हेमंत सोरेन जी के पास पहुंचाना है। तो दोस्तों क्या क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको ट्विटर डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन पे। ट्विटर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा एमबी नहीं, 50-60 MB का होगा या इससे भी कम हो सकता है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ट्वीट कैसे किया जाता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, अगर नहीं जानते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि ट्वीट कैसे किया जाता है और उस ट्वीट के थ्रू आप कैसे उस ट्वीट को वायरल कर सकते हो और वायरल लोगों की जो बात होगी वो मंत्री तक पहुंच जाएगी। इसके लिए आपको ट्विटर इंस्टॉल करना होगा, और क्या करना है कि जब मैं ट्वीट करूं या आप लोग खुद से भी ट्वीट कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। और फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही मैं ट्वीट करूंगा एक टाइम बता दूंगा, 5 सितंबर से पहले एक टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे सबको ट्वीट करना है, और 1000 से ज़्यादा बार अगर ट्वीट हो जाता है, रीट्वीट हो जाता है तो वो वायरल हो जाएगी दोस्तों। वो जो पोस्ट रहेगी जो मैं करूंगा या आप करोगे, हेमंत सोरेन जी को ट्वीट करना है, तो वो ट्वीट वायरल हो जाएगी और वो टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट पे आएगी, यानी 1000 बार से ज़्यादा आपको करना है तो वो वायरल हो जाएगी। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि ट्विटर कैसे यूज़ किया जाता है, ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है दोस्तों न्यूज़ के लिए। अगर आप डेली न्यूज़ चाहते हो या इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप चाहते हो कि कोई न्यूज़ आपको जानना चाहिए कि देश विदेश में क्या हो रहा है, तो आपको ट्विटर यूज़ करना चाहिए। और ट्विटर कैसे यूज़ किया जाता है उसका भी वीडियो मैंने बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे भी सीख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, हेमंत सोरेन हैशटैग हेमंत सोरेन लिख के वहाँ पर जे टेट कब होगा या जे टेट कब होगा ये सब आप लिख सकते हो, या अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हो कि जे टेट नहीं हुआ है, ये लिख के आपको ट्वीट करना है, या जैसे ही मैं ट्वीट करूँगा आपको रीट्वीट करना है। जैसे मैं एक बार ट्वीट कर दूँगा कि जे टेट कब होगा, तो उसमें आपको ट्वीट पर ट्वीट करते जाना है। जैसे 1000 से ज़्यादा हो जाएगा ट्वीट, ये वायरल हो जाएगी और ये टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट पे आ जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ट्विटर इंस्टॉल करना है। ट्विटर इंस्टॉल कर लीजिए, आप लोग ऐसे आलतू फालतू ऐप्स रखते होंगे, ट्विटर इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी बातों को आगे तक पहुँचाइए। नहीं तो दोस्तों सिर्फ कह दिया जाता है। आपको पता है नीरा यादव जी ने 2019 में कहा था कि जे टेट सितंबर में, तो उसी प्रकार ये जो नई सरकार है इन्होंने भी कहा, हमारे जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महंतो जी के द्वारा कहा गया कि जे टेट सितंबर में, और अभी तक नहीं हुआ है, अब अक्टूबर में कहा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि होने वाला है, यह सब सिर्फ पेपर में छपता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ट्वीट करना है, ट्विटर इंस्टॉल कीजिए, ट्वीट कीजिए, और नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कैसे ट्विटर में हैशटैग लगाया जाता है और ट्वीट किया जाता है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। फिर भी कोई परेशानी होगी तो फिर से बना के डाल दूंगा, लेकिन आप लोग ट्वीट करना सीखिए, ट्विटर इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ, ताकि उसी ट्वीट पर आपको ट्वीट पर ट्वीट करना है यानी रीट्वीट करना है, तो वो टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट पे आ जाएगी। और हेमंत सोरेन जी से अपने पूछो कि जे टेट कब होगा, जे टेट कब कराइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पीछे 2016 के जितने भी टेट पास विद्यार्थी हैं वो लोग पढ़े हुए हैं, वो लोग चाहते हैं कि जे टेट ना हो, क्योंकि जे टेट अगर हो जाता है
तो इन लोगों का कंपटीशन पड़ जाएगा। और इन लोग, मैं आपको बता दूँ, ये लोगों को कंपटीशन से बहुत डर लगता है, ये लोग सीधी बहाली चाहते हैं। ये लोग तो दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों की जो बहाली होगी ये एग्ज़ाम के थ्रू होगी, इसमें भी ये लोग नहीं मान रहा है। ये लोग सीधी बहाली मांग कर रहा है, जो 32 या 33 हज़ार है शायद, उसी पर ये लोग कर रहा है आंदोलन। और ये लोग भी 5 सितंबर को ट्विटर पे ये लोग आंदोलन करने वाला है, और ये लोगों का ग्रुप में 4-5 हज़ार आदमी है, और ये लोग ट्वीट करके ट्रेंड करवाता है। तो आप लोगों को भी एक साथ जुड़ना है। और मुझे लगता है कि दोस्तों, ये लोग का संख्या 52 हज़ार जितने भी टेट पास हैं, उससे ज़्यादा 2016 से 20 में स्टूडेंट्स हैं जो कि DL.ED और BEd करके बैठे हुए हैं। 2013 वालों का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वो लोगों का वैलिडिटी। तो ये लोग इसी का फ़ायदा लेना चाहता है। ये लोग चाहता है कि ये लोगों का 60 से 70% आदमी का ईजिली हो जाए, यानी अगर सीधी बहाली होता है तो ईजिली हो जाए, जिसका जिसका भी मार्क्स ज़्यादा है टेट और अपने जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में अच्छा मार्क है, उसका ईजिली हो जाएगा। ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्विटर यूज करो, ट्वीट करो, उसको ट्रेंड करो। हालांकि मैं बता दूँ कि ट्वीट करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी नीट जी वाले भी आंदोलन कर रहे थे, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्वीट किया था कि नीट जी को पोस्टपोन करो। साथ ही साथ जो भी छात्र हैं पंचायत सचिव के जितने छात्र हैं, वो लोग भी ट्विटर पे हमला कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई अच्छा खासा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, अपनी बातों को मंत्री तक पहुँचा सकते हैं, बस यही बड़ी बात है। मंत्री को पता चले कि इतने ये सही बात है। और दोस्तों, इस ट्विटर से कुछ होने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो हम लोगों को फिर जेक ऑफिस पे जाके आंदोलन करना है। तो समय रहते हुए जाग जाओ, मेरा काम था आपको बताना, अगर नहीं करना है तो मत करो, किसी से कोई फोर्स नहीं है, और नहीं भी आप ट्वीट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी बार एक ही बात कहूँगा कि अगर एक बार शिक्षकों की बहाली हो गई तो 5 साल तक इंतज़ार करते रहना, 5-10 साल बाद ही वैकेंसी आने वाली है, और इस सुनहरे मौका का फ़ायदा आप नहीं ले पाओगे। और जो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभद्र कमेंट करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को सुधारो यार, तुम लोग टीचर कैसे बनोगे, इतना गंदा गंदा कमेंट करते हो। मुझे बिलीव नहीं होता है कि तुम लोग पास टेट भी पास कैसे कर लिया, टेट मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि पास किए हो। मुझे लगता है तुम लोग चोरी वोरी करके पास हो गया होगा, वरना इतना गंदा गंदा गाली कैसे बकते हैं यार। तुम लोग को कॉमन सेंस नहीं है, एक टीचर होने के नाते मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ऐसा कमेंट करना चाहिए। टीचर बनना चाहते हो, ऊपर से इतना गंदा गाली बकते हो। सुनीता कुमारी, तेरा खोपड़ी ख़राब है। अबे तेरा खोपड़ी ख़राब, मेरा क्या ख़राब रहेगा, कुछ झूठ बोलते हो, झूठ बोल के आंदोलन करना चाहते हो कि मौका नहीं मिला 2017 में। तेरा भी जितने भी एक लड़के हैं जिनका नाम है बिशु महतो, आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि JTET शिक्षक बहाली का क्या प्रक्रिया है। अबे तू मुझे जाने का ज़रूरत नहीं है, समझा क्या, तू हमको सिखाएगा रे, तेरे जैसा जैसा को बहुत सिखा चुके हैं, समझा। ज़्यादा बकवास नहीं करने का, मैंने नहीं कहा तुमको कि मेरा वीडियो देख, मत देख, मत देख भाई, निकल निकल। मुझे पता है कि तुम लोग डिसलाइक करके चाहते हो कि मेरा वीडियो वायरल ना हो, तो डिसलाइक करो, आई डोंट केयर अबाउट यू। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा, सच के साथ हूँ, सच के साथ ही रहूँगा, मेरा बस यही कहना है। तुम लोग जैसे झूठे ने मक्कार नहीं है, समझा भाई लोग। मैंने कभी नहीं कहा कि शिक्षकों की बहाली ना हो, लेकिन JTET होने के बाद हो, ये मैंने कहा था कि जितने भी 2016 के बाद 2020 तक जितने भी छात्र हैं, सबको एक ही बार मौका मिल जाए। और तुम लोग चाहता है कि मौका का फ़ायदा उठा लें, इजीली कर लें, और वो भी तुम लोगों को शर्म आना चाहिए कि तुम लोग कंपटीशन से डरते हो। तुम लोग को शर्म आना चाहिए यार, तुम लोग कहते हो कि हम लोग 2016 में टेट पास किए हैं तो हम लोग पहले शिक्षक बनेंगे। अबे कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन लड़ो। 2016 में JTET पास किए तो क्या तुम लोग शिक्षक बनने के योग्य हो? वो तुमको पात्रता मिली, यानी कि शिक्षक बनने के योग्य हो सकते हो। ऐसा नहीं कि कहा गया कि तुम शिक्षक बन ही जाओगे, मंत्री ने भी ये कहा है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा है,
कई दफ़ा कहा है और मैंने भी ऑलरेडी कहा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा है कि मुझे डायरेक्टली ले लो, अगर मैं टेट पास करूँगा तब ही लो, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे बिना टेट पास किए हुए ले लो है, मैंने कभी तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे बिना टेट पास किए हुए शिक्षक बहाली में मौका दो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम लोग भकलोल जैसा बात करते हो इसलिए हमको गुस्सा आता है, समझा। और तुम लोग मत देखो ना मेरा वीडियो, हम तुम लोग को कभी बोलते हैं कि मेरा वीडियो देखो सब्सक्राइब करो, कभी कहें तुम लोग को, जिसको पसंद है वो करेगा, जिसको पसंद नहीं है नहीं करेगा, मत करो जाओ मेरा वीडियो मत देखो, तुम लोगों को बता देंगे मेरा वीडियो को क्या करो, सब्सक्राइब किए तो अनसब्सक्राइब कर दो, को डिसलाइक करो और जाओ, मेरे वीडियो को कभी मत देखो, मैं नहीं कह रहा है कि देखने के लिए ज़बरदस्ती किसी को नहीं मेरा वीडियो देखने का, और इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तुम लोग ज़बरदस्ती देखते हो मेरा वीडियो, तुम लोगों को मैंने कभी कहा कि मेरा वीडियो देखो, मैं तेरे मोबाइल पर सेंड किया हूँ कि मेरा वीडियो आ गया है जाके देखो, मैं तो जो सच है वह कह रहा हूँ, सच के साथ था हूँ और रहूँगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप ट्विटर यूज़ करो, ट्विटर कैसे यूज करना है सब लिंक में मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्विटर कैसे यूज किया जाता है उसका भी लिंक दे दिया है, मैंने ही बताया है, और जाइए और देखिए और कैसे ट्वीट किया जाता है कीजिए, और मेरा भी लिंक दिया हुआ है, आप फटाफट से फॉलो कीजिए, और आंदोलन बहुत जल्द करना है दोस्तों, उसका भी नोटिस मैं जारी कर दूंगा, और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो ताकि ये अधिक से अधिक लोगों पास पहुँचे, और शेयर करो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर इन एवरी प्लेटफॉर्म, मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है सभी पे इसको शेयर कर दो। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।